इस सेगमेंट में हम लोग कनिष्क के संबंध में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देखिए कुषाण वंश में कुजुल कटफिसेस थे जिन्होंने केवल तांबे के सिक्के जारी किए थे। सिक्कों पर धर्म थितस तथा धर्म थित उत्कीर्ण होता था, पहला शासक था। फिर देखिए विम कटफिसेस आते हैं, स्वर्ण एवं तांबे के सिक्के इन्होंने चलाए थे। उसके बाद फिर सिक्कों पर शिव त्रिशूल एवं नंदी की आकृति होती थी। फिर देखिए कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, पार्श्व तथा चरक, ये तीन विद्वान दरबार में रहते थे। सिक्कों पर बुद्ध का अंकन होता था। आश्रित विद्वान वसुमित्र थे। सारनाथ बौद्ध अभिलेख इसी कनिष्क के दरबार में ये अभिलेख मिला है। और राजकवि अश्वघोष भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। और शक संवत का शुभारंभ भी 78 ईस्वी में इसी के शासनकाल से शुरू हुआ है और इसे भारत सरकार ने अपनाया भी है। देखिए कुषाण के दरबार में रहने वाले महान विभूतियों को याद करने की युक्ति हम लोग देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। अर्जुन के मित्र हैं कृष्ण, तो वो कहते हैं कि हे पार्थ, तुम इन सब बातों में ना पड़ो, तुम सिर्फ अपना कार्य करो। तो उन्होंने अर्जुन को अपने गीता के माध्यम से, जो उनके मुख से निकली गीता है, गीता के माध्यम से अर्जुन को समझाया और फिर अर्जुन ने महाभारत जैसा भीषण युद्ध का उद्घोष किया। तो देखिए अर्जुन के मित्र थे कृष्ण। तो अर्जुन से नागार्जुन एक तो ये, और मित्र से वसुमित्र दो, और तीसरा कृष्ण से कुषाण। तो कुषाण के दरबार में अर्जुन और वसुमित्र दो रहते थे। इसके बाद फिर देखिए कि उन्होंने कौन सा उपदेश दिया था। तो उन्होंने उपदेश दिया था, होकर निःस्वार्थ अर्जुन, कुछ पाना है पार्थ अर्जुन, जीवन मरण बेकार अर्जुन, एक मैं ही हूँ आधार अर्जुन। मतलब उन्होंने कहा कि सब कुछ बेकार है, निसार है, और जो कुछ भी हो मैं ही हूँ, मैं ही सब में बसता हूँ, और इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया था। तो उनके इस उपदेश में देखिए, गीता के इस सार में देखिए क्या लिखा है, कुछ पाना है पार्थ अर्जुन। तो यहाँ देखिए कू का मतलब है कुषाण, और सी एच का अर्थ है चरक, पी ए का अर्थ है पार्श्व, और एन ए का अर्थ है नागार्जुन। इसके अलावा अर्जुन के मित्र थे कृष्ण, तो अर्जुन से नागार्जुन ये भी थे, और मित्र से वसुमित्र ठीक है, तो वसुमित्र हो गया, और कृष्ण से कुषाण। तो कुषाण के शासनकाल में नागार्जुन और वसुमित्र ये दो थे, और फिर अर्जुन ने महाभारत का उद्घोष कर दिया। तो उद्घोष से अश्वघोष भी थे। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कुषाण के दरबार में कौन कौन से लोग थे और कुषाण ने किन किन विभूतियों को संरक्षण दिया था। तो हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो आपसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। शोक मनाना चाहिए और न किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए।